हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं पार्ट फर्स्ट करा चुकी हूँ, पार्ट सेकंड करा चुकी हूँ। पार्ट फर्स्ट में तुम्हें बहुत बेसिक कराया था मैंने, ठीक है। और जो पार्ट सेकंड है बेटा, उसमें मैंने तुम्हें प्रॉपरली जो चीजें हैं इनहिबिशन से रिलेटेड समझा दी थी, लाइन वीवर बग प्लॉट समझा दिया था। आज जो करेंगे हम उसमें इनहिबिशन पहले तो कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद में हम के कैट वाला फिनोमेना पढ़ेंगे, के एम और केट का क्या रिलेशनशिप होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं जो क्वेश्चन में नॉर्मली पूछी जाती हैं, तो कुछ फैक्ट भी इसके बारे में पढ़ेंगे। कल तुम्हारे 10:30 बजे क्लास रिलीज होगी, जहाँ पे मैं एंजाइम के जो गेट के जो क्वेश्चन है बेटा वो कराने वाली हूँ। तो जो बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और जो बच्चे CSI के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए भी होगा, क्योंकि जो पार्ट बी है ना बेटा वो यहीं से पूछा जाता है, तो पार्ट बी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर किसी बच्चे को और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो शाम को 7 बजे तुम्हारे गेट के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी अनअकैडमी ऐप पे, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन करनी है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जब आप वॉच वीडियो करते हैं और आपसे कोई कोड पूछा जाता है, तो आप कुमकुम टेन अप्लाई कर सकते हैं, KUM KUM 10। और कुमकुम देन अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लासेस जो होती हैं बेटा, जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ओके, उसके साथ साथ आपको कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्रैक योर CSI UGC नेट एग्जाम एज अन अकेडमी ऐप। तो अगर आप एक भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, आपको क्या मिलता है, कुमकुम 10 अप्लाई करने होगा आपको, KUM KUM 10। और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ जो है देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस देखने को मिलेंगी, सारी क्विजेस देखने को मिलते हैं, सारे मॉक टेस्ट हो गए, कोर्सेज हो गए, बैचेस हो गए, आपको सब देखने को मिलेगा। मैं आपको अनअकैडमी ऐप पे बेटा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ, सेकंड यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आपका एक बैच है बेटा जो 8th जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 15th जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम और वीरिन सर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है, और जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। प्लस पे बेनिफिट की मैं बात करती हूँ, तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में मिलते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज हो गया, ये सब यहाँ पे कराया जाता है। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। सो टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ, न्यू बैचेस आर कमिंग सून, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे टू क्रैक द CSI UGC नेट। तो आपको क्या करना है, टू क्रैक द CSI UGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्या मिलता है, एक्सेस लिमिटेड मिलती है, अनलिमिटेड तुम्हारा लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो 9,450 आपको पे करना होता है, अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो 11,550 आपको पे करना होता है, अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो 16,800 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर पाएंगे, वो है बेटा कुमकुम 10, KUM KUM 10 कोड अप्लाई करना होता है, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाता है। नॉर्मली आपको 11,550 पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में आपको 10,395 रुपीज पे करना होगा। पेमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो गया है, EMI हो गया है, UPI हो गया है, वॉलेट हो गया है, नेट बैंकिंग हो गया है, आप जैसे चाहे वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो 10,395 रुपीज पे करने थे तो आप इंस्टॉलमेंट में भी इसको पे कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर प्लस पे नॉर्मली अगर देखते तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपकी कराई जाती है, शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है,
लेकिन अगर आप आइकनिक से जुड़ते हैं तो आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बाई वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे, बूस्टर सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एसओपी कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर किसी बच्चे ने आइकनिक पर स्विच करना है तो आप ये स्विच कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें कल इरिवर्सिबल इनहिबिशन जो है करा चुकी थी बेटा, आज हम करने वाले रिवर्सिबल वाला करने वाले हैं। तो रिवर्सिबल बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब्सट्रेट और एंजाइम के बीच में बनने के लिए। तो ये जो तुम्हारी इंटरमीडिएट वाली स्टेज जो बनती है, ट्रांजिशन स्टेज जो बनती है बेटा, इसमें क्या होता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब ये ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद तुम्हारा एंजाइम अलग निकल जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलग देखने को मिलता है। ये फिनोमेना है जो नॉर्मली देखने को मिलेगा। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में तीन आती हैं, कॉम्पिटिटिव आएगा, अनकॉम्पिटिटिव आएगा, मिक्स्ड इनहिबिशन आएगा जिसमें प्योर आता है और मिक्स्ड वाला आता है। जब हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो आज दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे तो तुम्हारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। रिवर्सिबल इनहिबिशन, द इनहिबिटर इज वन दैट वंस रिमूव्ड अलाउ द एंजाइम इट वाज इनहिबिटिंग टू बिगिन वर्किंग अगेन। मतलब क्या हुआ, दो एम्प्लॉयज थे बेटा, ए और बी साथ में काम करते थे। सी की एंट्री हुई बेटा यहाँ पे, तो बी को अच्छा नहीं लगा, बी यहाँ से निकल गया, बी यहाँ से निकल गया। ए और सी आपस में काम करने लगे। अब क्या होगा कि बी अगर वापस से सी को हटा के वापस से ए के साथ में आ जाता है तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है। इसको रिवर्सिबल इनहिबिशन बोला जाएगा। मतलब अगर एंजाइम यहाँ पे सब्सट्रेट के साथ में बाइंड था, ठीक है, अब इनहिबिटर आया, इनहिबिटर को पसंद नहीं था तो उसने क्या करा, सब्सट्रेट को हटा दिया और खुद आके यहाँ पे बैठ गया। तो एंजाइम प्लस इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिला। अगर फिर से अगर सब्सट्रेट ने चाहा, अगर सब्सट्रेट फिर से आएगा यहाँ पे तो क्या करता है, वो इस इनहिबिटर को हटा देता है और खुद आके फिर यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है। तो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है कि इनहिबिटर जो है वो रिमूव हो सकता है और वापस से फिर तुम्हारा वहाँ पे आ सकता है और एंजाइम वापस से तुम्हारा सब्सट्रेट के साथ बाइंड करके काम कर सकता है। तो ये जो होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, ऐसा नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया कि अब तो टूट ही नहीं पाएगा, टूट जाता है वो बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। इट हैज नो परमानेंट इफेक्ट ऑन द एंजाइम। अब ऐसा नहीं है कि इनहिबिशन आया है और इनहिबिटर आया है और एंजाइम के साथ में बाइंड करके आया है उसको पूरी तरह से पूरे उसका पूरा चीजें खराब कर दे, उसको परमानेंटली इनहिबिट कर दे, तो वो काम नहीं होता। उसको परमानेंट इफेक्ट उस पर कुछ भी नहीं छोड़ता है, आएगा। अगर तुम सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा डाल दोगे तो वहां से रिमूव भी हो जाएगा, तो कोई भी परमानेंट इफेक्ट जो है इस पर नहीं छोड़ के जाता है। It does not change the shape of the active site. For example, reversible inhibition may be competitive, non-competitive or non-competitive. तीनों टाइप के हो सकते हैं, तो तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं खुद को हाइड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से फिर दिखेगा नहीं। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात की जाती है तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इन्वॉल्व मॉलिक्यूल अदर देन द सब्सट्रेट बाइंडिंग टू द एंजाइम एक्टिव साइट। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एक्टिव साइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक्टिव साइट नहीं होगी तो इनके बहुत सारे काम जो है बिट्टा रुक जाएंगे। तो एक्टिव साइट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की बात करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो एंजाइम के एक्टिव साइट है बेटा, उसके लड़ाई करने वाले कौन है, इनहिबिटर और सब्सट्रेट है। दोनों के दोनों आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं कौन इस एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। तो सारा जो मेन रोल प्ले करता है, जो हीरो है मूवी का, वो कौन है, एक्टिव साइट है। उसको आई को भी उसको चाहिए, सी को, एस को भी उसको वही चाहिए, लेकिन कौन जीतता है वो डिपेंड करता है। The molecular inhibitor is structurally and chemically similar to the substrate, hence able to bind to the active site. क्योंकि जो inhibitor है बेटा, उसका भी अच्छा खासा body है, अच्छा खासा hero दिखता है, और S भी अच्छा खासा hero है और वो भी दिखता है। तो अब दोनों में एक, जब दोनों चीजें बराबर की हो जाती हैं तो वहाँ पे competition देखने को मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, जहाँ पे दोनों का structure जो होता है बेटा similar होता है, chemically structure भी similar होगा, तो इसीलिए वो इस particular active site के लिए लड़ाई properly करते हैं। Now, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ब्लॉक द एक्टिव साइट एंड दस प्रिवेंट द सब्सट्रेट बाइंडिंग। कॉम्पिटेटिव जो इनिबिटर होता है वो तुम्हारी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा और जो सब्सट्रेट की बाइंडिंग है बेटा उसको प्रिवेंट करेगा कि उसको वहां पे नहीं आना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर आएंगे। ये तुम्हारा एंजाइम हो गया बेटा, ये तुम्हारा सब्सट्रेट हो गया है, ये तुम्हारा इनिबिटर हो गया है। अब देखो, अब ये है उसकी एक्टिव साइट, एंजाइम की है ये बेटा एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट है। अब सब्सट्रेट के पास में सेम कॉन्फ़िगरेशन है या फिर सेम केमिकल स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होगा एक कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करने के लिए विद सब्सट्रेट एंड एंजाइम। फिर इसके पास भी सेम चीज़ें हैं और इसके पास भी सेम चीज़ें हैं, इसके पास भी कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे एंजाइम से बाइंड कर सकते हैं।
अब क्या होता है, दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं, दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं, लेकिन क्या होगा कि इनहिबिटर अगर बाइंड कर जाता है उस पर्टिकुलर एक्टिव साइट से, बाइंड कर गया बेटा, और क्या बना लेगा, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन का फॉर्मेशन कर लेगा और एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, और सब्सट्रेट बेचारा यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, जो नॉर्मली एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है अगर दोनों का, इनहिबिटर और सब्सट्रेट की अगर मैं बात करती हूँ, अगर दोनों का सिमिलर होता है एंड दे आर एबल टू बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, देन दे कैन इनहिबिट, ठीक है, फर्दर। तो ये जो काम होता है इनहिबिटर का होता है, एज द इनहिबिटर इज इन द कॉम्पिटिशन विद द सब्सट्रेट, इट्स इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एक बार मैं समझा देती हूँ इस पॉइंट को। अगर मैं क्या करूँ, इस सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दूँ, इसके कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दूँ, क्योंकि ये आपस में कॉम्पिटिशन में थे बेटा, अब ये ज्यादा नंबर के हो गए, मतलब अगर ज्यादा नंबर के हो गए तो ऑब्वियसली इनका पलड़ा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा एज कम्पेयर टू द इनहिबिटर। तो इनहिबिटर को इजिली खींच के बाहर निकाल के फेंक सकते हैं कि तुम आओ, अब हमारा बहुत ज्यादा सारे लोग हैं, इतने सारे हमारे पास, अब लड़के दिखाओ तुम। तो अब वो लड़ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि सब्सट्रेट के पास में इतने सारे कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं, इतना सारा उसने इकट्ठा कर लिया आपस में लोगों को। तो क्या होता है, इसलिए इनहिबिटर जो होता है चुपचाप से वहां से निकल जाता है, उसको पता है उसकी पिटाई हो जानी है, फिर पिटाई से बचने के लिए वहां से निकल जाता है, और फिर क्या होता है, तुम्हारा एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है इसका, कि अगर तुम सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, अगर सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो इनहिबिशन को रोका जा सकता है, तो इनहिबिशन को रोका जा सकता है। ये जो नॉर्मली होता है तुम्हारा कौन सा होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली एंजाइम और सब्सट्रेट क्या कर रहे थे, आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे थे, और कॉम्पिटिशन में तुम्हारे इनहिबिटर ने पहले सब्सट्रेट को हराया, फिर उसके बाद सब्सट्रेट बहुत सारे लोगों को लेके आया, फिर उसने उसको हरा दिया है, और हारने के बाद में वापस से उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है कि जहाँ पे कॉम्पिटिशन करके किसी पर्टिकुलर एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड किया जाता है, उसको इनहिबिट किया जाता है, तो इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोला जाता है, इसको याद में रखना है। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बेसिक समझा दिया, क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, इस पर्टिकुलर पार्ट पे तुम्हारा जो एंजाइम की जो जो तुम्हारा इनहिबिटर होता है वो बाइंड करता है। याद रखना है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करी जाएगी, when the enzyme will bind with the substrate and they form a ES wala complex which is a transition stage, then this will break down and form a enzyme and then product. ये formation होने वाला था, लेकिन क्या होता है इस पर्टिकुलर चीज में, कभी भी ES complex पे वो बाइंड नहीं करेगा, ES complex पे बाइंड नहीं करेगा, मतलब ऐसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बाइंड नहीं करेगा जहाँ पे ES ने ऑलरेडी तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट बना रखा है। वो कब बाइंड कर सकता है, जब तुम्हारा एंजाइम फ्री है और सब्सट्रेट उस पर बाइंड करने वाला है, तब जाके इनहिबिटर उस पर रोल प्ले कर सकता है। ES वाले कॉम्प्लेक्स का इसको कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ऐसा कौन सा इनहिबिशन है या फिर कौन सा इनहिबिटर है जो नॉर्मली जब एंजाइम फ्री होती है तब उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, तो कब होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की जब बात करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा जो कॉन्स्टेंट होता है उसे के आई बोला जाता है, और ई आई वाला कॉम्प्लेक्स इसमें देखने को मिलता है। तो अगर तुम इसको भी देख पा रहे हो तो ये तुम्हारा एंजाइम हो गया बेटा, उसकी ये एक्टिव साइट हो गई है। सब्सट्रेट के साथ में भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, और अगर तुम इनहिबिटर का देखोगे सेम कॉन्फिगरेशन जो देखने को मिलता है। तो अगर सब्सट्रेट के साथ भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, आई के साथ भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इसीलिए इसको कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन बोला जाता है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन बोला जाता है क्यों, क्योंकि दोनों बराबर के हिस्से, बराबर के मतलब लड़ाई करने वाले हैं, बराबर के इनके पास अब यू नो चीजें हैं जो तुम्हारा एक्टिव साइट से बाइंड कर सकती हैं। तो अगर तुमसे कभी भी पूछा जाता है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कैसे लिखनी है इसके बारे में, तो इसको ध्यान में रखना, कैसे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को दिखाना है और कैसे तुम्हें लाइन व्यू बग प्लॉट को दिखाना है। नॉर्मली अल्फा जो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे किस पर्टिकुलर चीज पे इनहिबिट कर रहा है, जब तुम्हारे एंजाइम के साथ में, व्हेन द एंजाइम विल बाइंड विद द इनहिबिटर इट विल फॉर्म अ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब तुम्हें पता है कि अगर मुझे कभी भी कॉन्स्टेंट को लिखना होता है, कभी भी के आई को लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगी, प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट, जो भी तुम्हारे सबस्ट्रेट है उसको ऊपर लिखा जाता है, और नीचे क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ठीक है, इसको लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और अगर अल्फा का भी रिप्रेजेंटेशन करना है तो अल्फा का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वन अपॉन इनहिबिटर अपॉन के आई, मतलब ये जो कॉन्स्टेंट है बेटा वो पूरा का पूरा ये वाला कॉन्स्टेंट,
और ये वाला जो होता है आई होता है, तो इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इसको याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ओके, अब तुम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को जब लिखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट इज टू वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इस पर्टिकुलर जब हम कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में होता क्या है कि तुम्हारा जो बीमैक्स है बेटा, बीमैक्स तो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, उस पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो केएम है बेटा वो क्या हो जाता है तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आई एम सो सॉरी, इंक्रीज हो जाता है तुम्हारा केएम। अगर तुम्हारा वीमैक्स कांस्टेंट है और केएम इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादा इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा, वीमैक्स पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन केएम पे तुम्हारा इफेक्ट देखने को मिला है इनहिबिटर का, तो इसलिए हम अल्फा की वैल्यू इसके सामने लगाएंगे, अल्फा केएम के सामने लगाएंगे। अगर अल्फा केएम के सामने लग जाती है तो तुम्हें पता है कि अगर मैं इसका लाइन व्यू बग प्लॉट बनाऊंगी तो क्या होता है बेटा, वन अपॉन वी नॉट, ठीक है, वन अपॉन वी नॉट के एम वीमैक्स इंटू एस प्लस वन अपॉन वीमैक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है लाइन व्यू बग प्लॉट का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फा किसके आगे लगेगा, के एम के आगे लगेगा। तो अब कभी क्वेश्चन में आता है तुमसे ये इक्वेशन दे दी जाती है और तुमसे पूछा जाता है कौन सा इनिबिशन है, ये कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है या फिर नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है या फिर अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन है, तुम्हें याद रखना है कि के एम अगर इफेक्ट हो रहा है, के एम अगर खाली इफेक्ट हो रहा है, वीमैक्स पे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कांस्टेंट है, तो तुम्हारा कॉम्पिटेटिव इनिबिशन जो है देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूलेज इसीलिए याद रखें क्योंकि कभी क्वेश्चन को घुमा के अगर पूछा जाए तो तुम्हें आना चाहिए। ओके, सो दैट मींस केएम विल इंक्रीज, केएम इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा वीमैक्स रिमेन कांस्टेंट। कल भी मैंने तुम्हें समझाया था कि जितना ज्यादा केएम होगा, जितना ज्यादा केएम होगा उतना ज्यादा जो एंजाइम की एफिशिएंसी होगी बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा इनिबिटर यहाँ पे अपना इफेक्ट शो कर रहा है, इनिबिटर अपना इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसीलिए केएम इंक्रीज हो जाता है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत बार मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी कराए हैं, तो ध्यान में रखना है। सल्फा ड्रग फॉलिक एसिड इन द बैक्टीरिया सिंथेसिस, तुम्हें पता है जो फॉलिक एसिड होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉलिक एसिड की मैं बात करती हूँ तो ये तुम्हारा अगर वाइटामिन की बात करी जाती है, नॉर्मली तुम्हारा B9 होता है, तो फॉलिक एसिड अगर फीमेल की, अगर ह्यूमंस में बात की जाए तो फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एनेमिक कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो फॉलिक एसिड को कौन तुम्हारा कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है, सल्फा ड्रग इनहिबिट करते हैं। सल्फा ड्रग क्या कर देंगे, तुम्हारे फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस है उस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ में बाइंड कर जाएंगे और फॉलिक एसिड का सिंथेसिस वहां पे नहीं होने देंगे, तो इसको इनहिबिट करते हैं कॉम्पिटेटिवली, ये याद रखना है। उसके बाद मेलोनेट की अगर मैं बात करती हूँ तो मेलोनेट जो होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को तुम्हारा इनहिबिट करता है, कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करेगा। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है तुम्हारे, तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड में, कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जो FeDH2 होता है बेटा वो FeD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और तुम्हारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज वहाँ पे काम करता है। अभी जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है बेटा यहाँ पे कौन इनहिबिट कर सकता है उसको, मेलोनेट जो है बेटा वो इनहिबिट कर सकता है। अभी मेलोनेट अगर इसको इनहिबिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारा प्रॉपरली वहाँ पे चीजें जो है इनहिबिट हो सकती हैं। तो ये याद रखना है मेलोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेट करता है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब देखते हैं आगे, बिकॉज द इनहिबिटर बाइंड रिवर्सिबली टू द एंजाइम द कॉम्पिटिशन कैन बी बायस्ड टू फेवर द सब्सट्रेट सिंपली बाय एडिंग मोर सब्सट्रेट। तो बता चुकी हूँ जितना ज्यादा तुम सब्सट्रेट ऐड करते जाओगे उतना चीजें क्या होंगी, रिवर्स हो सकती हैं। अगर रिवर्स हो सकती हैं तभी हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते हैं, क्योंकि वापस से चीजें वापस से तुम्हारे हाथ में आ सकती हैं, तो इसलिए इसको रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है बोला जाता है। देखो When S far exceed I, मतलब अगर सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, I से बहुत ज्यादा हो जाती है, the probability that the inhibitor molecule will bind to the enzyme is minimized, और जितना जितना ज्यादा सब्सट्रेट होता जाएगा उतना एंजाइम का जो एक्टिव जो एंजाइम की जो प्रोबेबिलिटी है एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने की वो कम होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, और तुम्हारा क्या होगा, exhibitor normal Vmax in the presence of inhibitor, higher concentration of substrate are needed to approach that Vmax. तो बहुत सा substrate चाहिए होगा उस particular उस Vmax तक पहुंचने के लिए, तो ये याद रखना है कि तुम्हारा Vmax जो होता है बेटा constant रहता है, लेकिन हाँ KM जो होगा तुम्हारा वो increase हो जाएगा, वो increase हो जाएगा। Okay. Now एक important question, अगर तुम्हें ये जो गेट का जो कल क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम्हें पता भी चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार तुम्हारे CSI में पूछा जाता है, तुम्हारे गेट में पूछा जाता है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
A medical therapy based on the competition at the active site is used to treat the patient who have ingested methanol, a solvent found in the gas antifreeze. तो बेसिकली क्या होता है, एक तुम्हारा मिथेनॉल होता है बेटा, मिथेनॉल को कैसे लिखते हैं, CH3OH, ठीक है, ये तुम्हारा मिथेनॉल होता है. अब मिथेनॉल को नॉर्मली गैस लाइन जो एंटीफ्रीज होता है बेटा, उसमें ये जो गैस है बेटा निकलती है, ये निकलती है. अगर कोई इंसान जो होता है इस मिथेनॉल को ज्यादा इंजेस्ट कर लेता है तो क्या होता है, ये जो मिथेनॉल है बेटा, ये तुम्हारे एक लिवर में जाएगी बेटा, लिवर में जाएगी, और लिवर में जाने के बाद में एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इस पे काम करती है. तो लिवर एंजाइम एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट द मिथेनॉल टू द फॉर्माल्डिहाइड, और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा, इसको फॉर्माल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है. और ये जो मॉलिक्यूल है बेटा काफी टॉक्सिक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकता है, तुम्हारी ब्लाइंडनेस कर सकता है, तुम्हारा विजन जो है पूरी तरह जा सकता है अगर ये नॉर्मली टॉक्सिक फॉर्म होता रहा तो. अब अगर जिसे पता चलता है कि अच्छा ये वाला प्रॉब्लम हो चुका है, मिथेनॉल की यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो चुकी है, मिथेनॉल पॉइजनिंग यहाँ पे हो चुकी है, उसी से बचने के लिए क्या करना चाहता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, इथेनॉल को देते हैं. इथेनॉल को कैसे प्रोवाइड करते हैं, इंट्रावीनसली प्रोवाइड करते हैं. क्यों, क्योंकि जो इथेनॉल है बेटा वो तुम्हारे मिथेनॉल के साथ में कॉम्पिटिशन करेगा कि आ जाओ आप देखते हैं कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा. किसके लिए करेगा, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज के लिए करेगा, उसकी एक्टिव साइट के लिए करेगा, उसकी एक्टिव साइट के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन करने वाला है. तुम जितना ज्यादा मिथेनॉल दोगे उतना मिथेनॉल की बाइंड होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और जितना तुम्हारा इथेनॉल एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज से बाइंड करेगा, इथेनॉल बाइंड करेगा एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से, और वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा एसिटाइल्डिहाइड में. एसिटाइल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म है तुम्हारी बॉडी के लिए. तो ये क्या एक पॉजिटिव टर्म है, एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये जो इथेनॉल है बेटा ये कॉम्पिटिटिवली काम करता है फॉर द मिथेनॉल, और उसको वहां से रिमूव कर देगा, उसको एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से बाइंड नहीं करने देगा, और तुम्हारा सारा का सारा जो तुम्हारा एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है उसको एसिटाइल्डिहाइड बनाने में काम में ले लिया जाएगा. तो ये एक मेडिकल थेरेपी है जो नॉर्मली यूज की जाती है. एक बार पढ़ लेते हैं, इथेनॉल कम्पीट इफेक्टिवली विद द मिथेनॉल एज अल्टरनेटिव सब्सट्रेट फॉर द एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज. इथेनॉल इज आल्सो सब्सट्रेट फॉर द एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज ओवर टाइम एज द एंजाइम कन्वर्ट्स इनटू द एसिटाइल्डिहाइड. तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, बहुत बार पूछा जाता है तो ध्यान में रखना. अब हम ग्राफ देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हम देखेंगे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन वाला ग्राफ, उसके बाद हम लाइन वीवर बक प्लॉट वाला देखेंगे, ठीक है, लाइन वीवर बक प्लॉट वाला देखेंगे. तो तुम्हारा यहाँ से पूरा पूरा चीजें जो है बेटा कवर हो जाएंगी. फिर देखो तुम्हें पता है, अगर मैं वाई एक्सिस पे बात करती हूँ तो वी नॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करती हूँ तो तुम्हारा एस दैट इज सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जब इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब जब इनहिबिटर एब्सेंट है, जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, तुमने धीरे धीरे सब्सट्रेट बढ़ाया, धीरे धीरे वो रिएक्शन बढ़ी, धीरे धीरे तुम्हारा हो गया. अब यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, आराम से उसने काम किया, आराम से वी मैक्स में वो पहुंच गया, आराम से वी मैक्स में पहुंच गया. लेकिन जब तुम्हारा क्या होता है, जब तुम्हारा इनहिबिटर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, सब्सट्रेट को एफिशिएंटली बाइंड नहीं करने देता है, इफेक्टिवली बाइंड नहीं करने देता है. इसलिए मुझे सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होता है, बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर मुझे सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंक्रीज करना होगा तो मेरा जो KM है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है. मतलब पहले मेरा KM यहाँ पे आ रहा था बेटा, अब मेरा KM यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब KM यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस Vmax तक पहुंचने के लिए. मैं पहुंच जाती हूँ लेकिन Vmax तक, लेकिन जो मेहनत है बेटा वो इतनी ज्यादा मेहनत मुझे यहाँ पे करनी पड़ जाती है, इतनी ज्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ जाती है, KM1 जो होता है KM2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब KM काफी इंक्रीज हो जाता है. तो जब हम कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज में क्या होता है कि तुम्हारा KM तो इंक्रीज हो जाएगा बेटा, लेकिन जो Vmax है वो कॉन्स्टेंट रहता है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है. ये ग्राफ आए तो ये ध्यान में रखना है, KM इंक्रीज होगा, ये वाली वैल्यू है बेटा वो इंक्रीज होगी, लेकिन ये जो Vmax में पहुंचने वाला कांस्टेंट था, मतलब ये जो सेचुरेशन वाला पॉइंट था, वो इक्वल ही रहने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट, कल मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, ध्यान में रखना है क्वेश्चंस को. अगर हम बात करते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट की, लाइन वीवर बर्क प्लॉट की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये प्लॉट की बात करती हूँ तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसको तुम्हें पता होना चाहिए कौन से साइड में इंक्रीज होता है, कौन से साइड में डिक्रीज होता है. ओके, अब ये जो रिप्रेजेंट करता है 1/V0 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, कल भी समझा चुकी हूँ. ये एक्स एक्सिस है, तो तुम्हारे 1/S जो है सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रेसिप्रोकल कंडीशन में देखने को मिलेगी.
जो यहाँ पे जो तुम्हारा बनता है, जो चीजें वहां पे कट करती है, उसको 1/KVM से माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस में है, इसलिए -1/KM होता है। और ये जो जहाँ पे कट करता है उसको 1/Vmax बोला जाता है, 1/Vmax बोला जाता है। ओके, अब अगर तुम देखोगे, अगर मैंने इनिबिटर नहीं डाला है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ये वाला जो लाइन है ना बेटा, मैं अलग अलग कलर से कर दूंगी, डोंट वरी। ये वाला जो लाइन है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तुमने कोई भी इनिबिटर नहीं डाला है इस पर्टिकुलर लाइन पे, जब कोई इनिबिटर नहीं डाला है तो ये वाला कंडीशन जो है मुझे देखने को मिलता है, ये वाला कंडीशन देखने को मिलता है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे ये देखने को मिलता है। अब अगर सेकंड कंडीशन में जब इनिबिटर डालती हूँ, ये वाला जो है बेटा, मैं जब इनिबिटर डाला, ये है सेकंड वाला कंडीशन, जब मैंने इनिबिटर को डाला है, जब मैंने इनिबिटर को डाला है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे कि Km पहले यहाँ पे था, -1/α Km बेटा यहाँ पे था तुम्हारा पहले, उसके बाद वो यहाँ पे आ गया है। जब ऐसी चीजें यहाँ पे आती हैं, इतना यहाँ पे क्लोज आती हैं, नॉर्मली तुम्हारा डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्यों इंक्रीज होगा बेटा, क्योंकि माइनस में वैल्यू है, माइनस में वैल्यू है तो जितना छोटा माइनस का वैल्यू होता जाएगा उतना ही वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जितना छोटा वैल्यू जो होगा बेटा, ये जीरो होता है, अगर माइनस जितना छोटा होगा उतना वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे होगा तो माइनस ऑब्वियसली काफी बड़ा होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है माइनस में, तो इसका मतलब क्या होगा, वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, एक तो 1/ की वैल्यू है, ऊपर से माइनस की भी वैल्यू है, तो जितना माइनस की वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतना ही क्या होगा, Km की वैल्यू भी तुम्हारी छोटी होती जाएगी, क्योंकि इसमें Km इंक्रीज होता है बेटा, तो इसीलिए जो इंक्रीमेंट होता है वो राइट साइड में जो होगा इंक्रीमेंट होगा। ये याद रखना है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो कभी भी इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीमेंट जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे तुम, ये तुम्हारा पहला हो गया है जहाँ पे कोई इनिबिटर नहीं डाला था, ये तुम्हारा सेकंड हो गया जहाँ पे इनिबिटर तुमने डाला है, और ये तुम्हारा थर्ड वाला हो गया है जहाँ पे तुमने एक और इनिबिटर यहाँ पे डाल दिया है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा Km जो है बेटा इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड पे जितना जाओगे उतना Km इंक्रीज होगा, लेकिन Vmax तुम्हारा बिल्कुल कांस्टेंट है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो याद रखना, कभी भी तुम्हारा Vmax कांस्टेंट दिया हो और Km इंक्रीज हो रहा हो तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन को वो बताता है, पहली बात तो ये। और कभी स्लोप पूछा जाता है तो α Km/Vmax जो होगा इसको स्लोप होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे α Km क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो Km की वैल्यू बेटा वो तुम्हारा वहाँ पे चेंज होती है तो इनिबिशन के थ्रू, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कभी कभी कि जो इनिबिटर है बेटा, अगर मैं सेकंड इनिबिटर की बात करती हूँ, थर्ड इनिबिटर की बात करती हूँ, तो कौन सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उसको इनिबिट करने के लिए, तो α3 की वैल्यू ज्यादा होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, α3 देन α2 आएगा देन α1 आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, इनिबिटर का जो तुम्हारा इम्पैक्ट है वो जितना ऊपर जाओगे उतना तुम्हारा बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये कॉम्पिटेटिव इनिबिशन हो गया है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी को इशू आता है तो तुम मुझे बाद में भी कॉमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम ये समझ में नहीं आया है। ओके, अब आते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इन्वॉल्व अ मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। तो बेसिकली तुमने देखा जो तुम कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में कि ये तुम्हारा एंजाइम था बेटा, इनकी एक्टिव साइट थी, अब सब्सट्रेट को क्या करना था, इस पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे बाइंड करना था, और इनिबिटर भी इसके लिए लड़ाई करता है, आपस में कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच वी कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट का मतलब होता है अदर देन एक्टिव साइट, मतलब एक ऐसी साइट एंजाइम पे एक ऐसी साइट विच इज अदर देन द सब्स्ट्रेट बाइंडिंग साइट और वी कॉल्ड एक्टिव बाइंडिंग साइट, ठीक है, एक्टिव बाइंडिंग साइट, तो उसको बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। तो एक पर्टिकुलर एक ऐसी कंडीशन, जैसे तुम्हारा इनिबिटर यहाँ बाइंड कर गया है, या फिर यहाँ बाइंड कर गया है, या फिर यहाँ बाइंड कर गया है, तो एक ऐसी साइट जो तुम्हारी एक्टिव साइट से बिलोंग नहीं करती, कहीं भी तुम्हारा एंजाइम की वो बाइंड कर जाएगा और चीजों को इनिबिट करेगा, उसको एलोस्टेरिक इनिबिशन जो है बोला जाता है। एक नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर होगा। Now, the binding of the inhibitor to the allosteric site causes a conformation change to the enzyme active site. Obviously, अगर कोई पीछे से तुम्हें धक्का मारता है या फिर पीछे से तुम्हारी कुछ चीजें करता है तो तुम्हारा इफेक्ट तो तुम्हारे एक्टिव साइट पे भी पड़ेगा। तो वैसे क्या होता है, अगर एक्टिव साइट पे वो डायरेक्टली बाइंड नहीं करता लेकिन कॉन्फर्मेशन चेंज तो आएगा, अगर पीछे से कोई मारेगा तो कॉन्फर्मेशन चेंज तो आएगा। तो यहाँ पे भी कॉन्फर्मेशन चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, जब भी इनिबिटर बाइंड कर जाएगा उसके बाद एक्टिव साइट पे थोड़ा बहुत कॉन्फर्मेशन चेंज जो है देखने को मिलेगा।
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज द एक्टिव साइट एंड द सब्सट्रेट नो लॉन्गर शेयर स्पेसिफिसिटी मीनिंग द सब्सट्रेट कैन नॉट बाइंड। और इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्टिव साइट और सब्सट्रेट के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ था, एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बना था, एक स्पेसिफिसिटी जो थी उनके आपस में बाइंड करने की, वो वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे से किसी ने आके उनको तंग कर दिया है, पीछे से आके उनको एलोस्टेरिकली नेगेटिवली मॉड्यूलेट कर दिया है, दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू बाइंड विद ईच अदर। ओके, नाउ एंड एज अ इनहिबिटर इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद द सब्सट्रेट। तो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर तुम सब्सट्रेट का लेवल इंक्रीज भी कर दोगे, बहुत सा सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे, उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, तुम उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे बेटा, वो तुम्हारे पीछे से कहीं और से अटैक कर रहा है। तो अगर वो कॉम्पिटिशन करता तो फिर भी तुम देख लेते, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा ना कि यहाँ पे तक क्या कहाँ से पीछे से मार रहे हैं, कहाँ से मार रहे हो। तो ये जो होता है, तुम मिटिगेट इंडिविटर्स इफेक्ट को नहीं वहाँ पे कम कर पाओगे। अब दो फॉर्म आती है नॉन कॉम्पिटिटिव में, एक होती है बेटा प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव और एक होता है मिक्स्ड इनिबिशन। प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर मतलब नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की हम बात करेंगे, प्योर वाला। तो नॉन कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन में नहीं है और वो पीछे से आके एलोस्टेरिकली उसको बाइंड कर रहा है, और बाइंड करने के बाद में उसकी जो स्पेसिफिसिटी थी उस एंजाइम के साथ में बाइंड करने की, उसको वो कम कर देता है, वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाते हैं। इज डिफाइंड बाय द रिडक्शन ऑफ एपेरेंट वीमैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर विद नो इफेक्ट ऑन द एपेरेंट केएम। तो बेसिकली क्या होता है, वो एंजाइम इनिबिटर वाले कॉम्प्लेक्स से बाइंड तो करेगा, तो नॉर्मली एंजाइम वाले कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा और चीजों को वहां पे इनिबिट कर देगा, वहां पे इनिबिट करेगा, और वो क्या करता है, तुम्हारे वीमैक्स को कम कर देता है, वीमैक्स को कम कर देगा, ठीक है, वीमैक्स को कम कर देगा और तुम्हारे केएम पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, उसको कॉन्स्टेंट रखता है। तो वीमैक्स को तुम्हारा रिडक्शन कर देगा और तुम्हारे केएम पे कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं डालने को मिलेगा। तो ये जो रोल है बेटा तुम्हारे प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का देखने को मिलता है। जब हम मिक्स पे आते हैं, मिक्स क्या करता है, दोनों को, चाहे केएम हो चाहे वीमैक्स हो, दोनों को वहां पे कम करेगा, वहां पे दोनों पे इफेक्ट डालने वाला है, देखेंगे हम क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। द यूजुअल मैकेनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज दैट इनिबिटर बाइंड विद द एंजाइम एट अ साइट अदर देन द सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट एंड रिड्यूसेस द केकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये और क्या करता है तुम्हारा, कि अगर नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है, नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है, तुम्हारा केएम पे इफेक्ट डालेगा ऑब्वियसली, ठीक है, वो अगर तुम मिक्स की बात करोगे, अगर प्योर की बात करोगे तो वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, वी मिक्स पे इफेक्ट डालेगा और तुम्हारे केकेट पे भी इफेक्ट डालता है। केकेट का मतलब होता है बेटा टर्नओवर नंबर, जो हम आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, तो आज हम देखेंगे जरूर। देखो मिक्स्ड इनिबिशन क्या होता है, अ मिक्स्ड इनिबिटर आल्सो बाइंड एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सब्सट्रेट एक्टिव साइट बट इट बाइंड आइदर टू द ई और ईएस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, खाली तुम्हारे एंजाइम पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ये तुम्हारे ईएस का जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वहां पे भी इफेक्ट डालता है, उनकी बाइंडिंग पे भी इफेक्ट डालता है। तो जहां पे एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बन जाता है बेटा, एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बन जाता है, वो साथ साथ जी रहे होते हैं, उसमें भी ये क्या कर देता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये जो होता है मिक्स्ड इनिबिशन होता है, जो तुम्हारे केएम को भी इफेक्ट करेगा बेटा और तुम्हारे वीमैक्स को भी इफेक्ट करेगा, वो सबको खराब कर देगा आके, वो तुम्हारा इन दोनों को बनी बनाई चीजों को भी खराब कर सकता है। वीमैक्स इज अफेक्टेड बिकॉज द इनिबिटर रेंडर्स सम फ्रैक्शन ऑफ द एबिलिटी एंजाइम मॉलिक्यूल इनएक्टिव लोअरिंग द इफेक्टिव एंजाइम ऑन विच डिपेंड। तो देखते हैं एक बार क्या होता है इसमें, वी नॉट डिस्कस टू होता है बेटा वीमैक्स इंटू एस केएम प्लस एस होता है। अगर तुम देखोगे तो अल्फा केएम के आगे भी लगा हुआ है और अल्फा तुम्हारे एस के आगे भी लगा हुआ है, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, तुम्हारा वीमैक्स भी इफेक्ट हो जाता है बेटा और केएम भी तुम्हारा अफेक्ट होने वाला है। तो ये जो होता है मिक्स्ड इनिबिशन होता है, जिसमें दोनों की दोनों चीजें खराब हो जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। अगर नॉन कॉम्पिटेटिव देखोगे तो क्या होता है कि ये तुम्हारा एंजाइम हो गया बेटा, उसकी एक्टिव साइट हो चुकी है, ये एक्टिव साइट हो चुकी है और ये तुम्हारा सब्सट्रेट हो चुका है, ये सब्सट्रेट हो चुका है। अब यहाँ पे इनिबिटर का देखो, तुम अगर देख जाए तो इनिबिटर और एक्टिव साइट का कोई लेना देना नहीं है, कहीं से वो बाइंड नहीं कर सकते हैं, आपस में कोई भी कॉम्पिटिशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब्सट्रेटिंग क्या करा, नॉर्मली अगर वो बाइंड करने वाला तो उससे पहले तुम्हारा अगर इनिबिटर आके बाइंड कर जाता है, एक ईआई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन जो देखने को मिलेगा। अगर वो इस पर्टिकुलर साइट पे भी बाइंड कर रहा है और वो ईएस वाले कॉम्प्लेक्स पे भी अगर बाइंड कर रहा है, आके आके बाइंड कर रहा है, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड इनिबिशन, मिक्स्ड इनिबिशन उसको बोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो मिक्स्ड इनिबिशन अगर बोला जाएगा तो तुम्हारे दोनों कॉम्प्लेक्स पे अगर बाइंड करेगा, उसके ईएस कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है, तो तुम्हारा मिक्स्ड इनिबिशन जो है उसको बोला जाता है। देखो अब है तुम्हारा प्योर वाला, वेरी इंपॉर्टेंट,
जहाँ पे वीमेक्स जो है बेटा डिक्रीज हो जाता है, वीमेक्स डिक्रीज हो जाता है, और के में तुम्हारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो वीमेक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन के जो है बेटा कांस्टेंट रहेगा। अगर कॉम्पिटेटिव का तुम्हें याद हो, कॉम्पिटेटिव का मैंने क्या बताया था, कॉम्पिटेटिव का बताया था मैंने कि तुम्हारा वीमेक्स जो है बेटा, वीमेक्स क्या हो जाएगा, वीमेक्स तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहता था और जो के था बेटा वो इंक्रीज हो जाता था, ये तुम्हारा मैंने कॉम्पिटेटिव का बताया था। अब नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या है, नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या है कि तुम्हारा जो वीमेक्स है बेटा, वीमेक्स क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले मैंने माना कि ये वाला जो एंजाइम था बेटा काम कर रहा था, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो था बेटा इसका वीमेक्स था, ठीक है, ये तुम्हारा इसका केएम था, ये इसका केएम था। अब क्या होगा जब तुम्हारा जब इनहिबिटर आ जाता है, जब इनहिबिटर आ जाता है तो उस पर्टिकुलर पोजिशन में क्या होता है, तुम्हारा जो वीमेक्स है बेटा काफी कम हो जाएगा, वीमेक्स कम हो जाएगा, उसका टर्नओवर नंबर बेटा डिक्रीज हो जाएगा, केएम लेकिन कांस्टेंट रहता है, केएम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो होता है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होता है नॉन कॉम्पिटेटिव का, प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव का होता है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हुआ होता है वी नॉट का होता है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है एस का होता है ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं लाइन व्यू बग प्लॉट पे। लाइन व्यू बग प्लॉट की अगर मैं बात करती हूँ तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नॉर्मली लाइन व्यू बग प्लॉट से पूछे जाते हैं, वहां से पूछे जाते हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर y एक्सिस पे देखा जाए तो 1 बाई वी नॉट होगा, और अगर x एक्सिस पे देखा जाए तो 1 बाई एस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ओके, अगर तुम अब यहाँ से देखोगे बेटा, अगर तुमने इनहिबिटर नहीं डाला है, अगर तुमने इनहिबिटर नहीं डाला है उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जो 1 बाई वी मैक्स होगा बेटा वो इतना होने वाला है, 1 बाई वी मैक्स इतना होगा माइनस 1 बाई के एम जो होगा इतना होगा। ओके, अगर तुम इनहिबिटर डालते हो, अगर तुम इनहिबिटर डालते हो और चीजों को नॉन कॉम्पिटिटिवली अगर इनहिबिट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जो 1 बाई वी मैक्स होता है बेटा डिक्रीज हो जाता है। अब ये मत बोलना मैम ये तो ऊपर की ओर जा रहा है तो इंक्रीज होना चाहिए था, ये डिक्रीज कैसे हो रहा है बेटा, 1 बाई वी मैक्स है। मतलब क्या हुआ, अगर तुम 1 बाई 2 की वैल्यू देखते हो 0.5 होती है, अगर 1.5 की वैल्यू देखते हो तो 0.2 होती है, अगर तुम 1/10 की वैल्यू देखते हो 0.1 होती है। मतलब क्या हुआ है, जितना छोटा तुम्हारा 1/2 होगा, मतलब जितना नीचे वाला तुम्हारा होगा, क्योंकि ये अपॉन में है बेटा, 1/ वीमैक्स वाली वैल्यू है, तो जितना तुम्हारा इसके पास में होगा उतना बड़ी वैल्यू होगी, और जितना ऊपर जाती जाएगी उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी वैल्यू होती जाएगी, छोटी वैल्यू होती जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऊपर जा रहा है तो मतलब क्या हुआ, वीमैक्स जो है डिक्रीज हो रहा है, तुम्हारा वीमैक्स क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और केएम तुम्हारा क्या है बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये किस में होता है, प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में जो ये चीजें देखने को मिलेंगे, तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब आते हैं मिक्स्ड का, अगर कभी ग्राफ पूछा जाता है, मिक्स्ड का कभी तुम्हें नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, अगर मिक्स्ड का कभी ग्राफ पूछा जाता है, क्योंकि तुम्हारे वीमैक्स भी यहाँ पे इफेक्ट होगा बेटा और केएम भी यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है, दोनों चीजें क्या है, एक तो इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुमने कोई भी इनहिबिटर जब नहीं डाला है, कोई भी इनहिबिटर नहीं डाला है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में माइनस 1 बाई के एम ये होगा बेटा, और 1 बाई वी मैक्स जो होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखने को मिलेगा, कंडीशन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, ना तो वी मैक्स कांस्टेंट है बेटा, ना तुम्हारा के एम कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था जितना राइट साइड में जाओगे, जितना राइट में जाओगे उतना के एम क्या होगा इंक्रीज होगा, जितना लेफ्ट में जाओगे, जितना लेफ्ट में जाओगे उतना ही केएम क्या होगा डिक्रीज होगा, जितना ऊपर जाओगे उतना ही वीमेक्स क्या होगा डिक्रीज होगा, और जितना नीचे आओगे उतना ही वीमेक्स क्या होगा इंक्रीज होगा। तो पहली बात तो ये तुम्हें कॉमन टर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी बार कभी तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये चीज अगर पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर देखा जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, एक सेकेंड मैं इसको पहले रिमूव कर देती हूँ, एक सेकेंड। अगर तुम्हें देखने को मिलेगा ये माइनस 1 बाई के एम था बेटा, के एम क्या हो रहा है इधर साइड जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, के एम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और वीमेक्स क्या हो रहा है तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, वीमेक्स डिक्रीज हो रहा है, दोनों चीजें जो खराब थी ना बॉडी में वो सारी की सारी इसके साथ हो जाती है। तो मिक्सड नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, मिक्सड नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है कि तुम्हारा वीमेक्स क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, और केएम क्या होगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है, और बहुत बार तुम्हारे गेट के में पूछा गया है, कल जो क्वेश्चन कराऊंगी उसमें तुम्हें पक्का से देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है। ये जो होगा मिक्सड इनहिबिशन होता है, मिक्सड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जिसको बोला जाता है। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, अनकॉम्पिटेटिव की बात करती हूँ। देखो अनकॉम्पिटेटिव का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्पिटिशन में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन में, तुम्हें कॉम्पिटिशन करना है, तो अनकॉम्पिटेटिव है, उसको कोई इरादा भी नहीं है कॉम्पिटिशन करने का। एन अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सब्सट्रेट एक्टिव साइट।
एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा, जैसे वो लोग बाइंड करे थे वैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा। अनलाइक अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द ईएस कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बाइंड करता है बेटा ईएस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, ईएस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, ये तुम्हारे ई या फिर ई खाली ई वाले कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं करेगा। तुमने क्या देखा जब हमने कॉम्पिटेटिव पढ़ा, देखो जब हमने कॉम्पिटेटिव पढ़ा तो ई वाले कॉम्प्लेक्स से तुम्हारा इनहिबिटर बाइंड कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे केएम को अफेक्ट कर रहा था, वीमैक्स तुम्हारा वहां पे कांस्टेंट था। जब तुमने नॉन कॉम्पिटेटिव देखा तो वहां पे क्या हुआ, एक प्योर था बेटा, एक मिक्स्ड था, एक प्योर था एक मिक्स्ड था। प्योर वाला भी एंजाइम से नॉर्मली बाइंड कर रहा था, लेकिन मिक्स्ड वाला दोनों से बाइंड करता है, ई से भी बाइंड करता है और ईएस से भी बाइंड करता है। ये जो कर रहा था तुम्हारे केएम को कांस्टेंट रख रहा था, लेकिन वीमैक्स को डिक्रीज कर रहा था, ये तुम्हारा केएम को इंक्रीज कर रहा था, वीमैक्स को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो चीजें याद रखनी है, ये जो बाइंड करता है तुम्हारे ईएस कॉम्प्लेक्स से ही खाली बाइंड करता है, वो तुम्हारे खाली वाले एंजाइम कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होता है, वी नॉट इज़ इक्वल टू विद वीमैक्स, वी नॉट इज़ इक्वल टू, ठीक है, वीमैक्स इंटू एस केएम अल्फा इंटू एस, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो है यहाँ पे ईएस वाले कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है, तो केएम पे इफेक्ट ना डाल के ईएस वाले कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा और यहाँ पे दोनों चीजें इफेक्ट होने वाली है, यहाँ पे दोनों चीजें इफेक्ट होने वाली है, कैसे होंगी हम आगे देखते हैं। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली बहुत ज्यादा सर्दी हो रखी है तो मे बी शायद तुम लोगों को आवाज थोड़ी वैसी लग रही होगी, बट समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की बात करती हूँ तो ये क्या होता है बेटा, वन बाय वी नॉट होता है कहाँ पे तुम्हारे वाई एक्सिस पे, ठीक है, वन बाय एस नॉट होता है तुम्हारे एक्स एक्सिस पे। पहली बात तो ये देख लेना एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे गेट का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे सी एस ए का एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या कोई भी लाइसेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बिना देखे तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर मत लगाना, क्योंकि कभी कभी वो क्या करते हैं वन बाय बी नॉट की जगह पी डाल दिया, तो वहां पे ये ग्राफ नहीं बनेंगे, तो ये चीज याद रखनी है। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर देखा जाएगा, अगर तुमने इनहिबिटर नहीं डाला है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में तुमने कोई भी इनहिबिटर नहीं डाला है, अनइनहिबिटेड है, तो ये तुम्हारा बेटा माइनस वन बाय के एम होगा और ये तुम्हारा वीमैक्स होने वाला है, ये तुम्हारा के एम होगा वीमैक्स होने वाला है। अब क्या हुआ, अगर तुमने इनहिबिटर डाल दिया है, ठीक है, अगर तुमने इनहिबिटर डाल दिया है उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा के एम यहाँ पहुंच जाएगा और तुम्हारा वीमैक्स जो होगा इधर पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियसली वीमैक्स अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है बेटा, वीमैक्स अगर ऊपर जाता है तो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और के एम अगर इधर जाता है तो वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक चीज डिक्रीज हो रही है, दोनों की दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, और स्लोप जो बनता है बेटा ये के एम बाई वी मैक्स जो है ये स्लोप बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, अगर दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं, दोनों चीजें अगर डिक्रीज होती हैं के एम और वी मैक्स, तो तुम्हारा अनकॉम्पिटेटिव उसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये तुम्हारा हो गया ग्राफ का। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारा अल्फा थ्री है, अल्फा टू है, अल्फा वन है, सबसे तो जो इनहिबिशन है वो किस में देखने को मिलेगा, तो अल्फा थ्री होगा उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, टू में फिर उससे कम और वन में सबसे कम। तो कभी कभी अगर ये सीक्वेंस पूछा जाता है तुमसे, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ध्यान में रखना है कि अल्फा थ्री जो सबसे ऊपर वाला होगा वो सबसे ज्यादा अफेक्टिव होगा, सबसे ज्यादा अफेक्टिव होगा, सबसे नीचे वाला जो होगा वो नॉर्मली अनइनहिबिटेड जो जिसको बोला जाएगा, ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो। देखो, the inhibition of aryl sulfatase by the hydrazine and another inhibition of the intestinal alkaline phosphatase by the phenylalanine. तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो है देखने को मिलता है, तो तुम्हारा जो alkaline phosphatases की बात करती हूँ तो वहां पे क्या होता है, inhibition of intestinal alkaline phosphatase by phenylalanine. तो phenylalanine क्या करता है, उसको अनकॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है। अगर एराइल सल्फेटेज एंजाइम की बात करती हूँ तो तुम्हारा हाइड्रोजीन होता है, उसको तुम्हारा अनकॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करेगा। तो दोनों कंडीशन को याद रखना है, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाए तुम्हें आना चाहिए बस। दिस एन अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर लोअर्स द मेजर वीमैक्स, वीमैक्स भी यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और के एम भी तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है। एपरेंट के एम ऑल्सो डिक्रीजेस because the substrate required to reach one half Vmax decreased by the alpha factor because the enzyme is inactive, क्योंकि enzyme inactive है when the uncompetitive inhibitor is bound but the inhibitor is not competing with the substrate for the binding, so the inhibitor effectively removes the some fraction of the enzyme molecules from the reaction. Now the Vmax depends on the enzyme, the observed Vmax decreases and not given that inhibitor bind only to the ES complex, very important, ES complex se bind karta hai, only ES is deleted from the reaction, so the S needed to reach half Vmax, that is KM declines by the same amount. So ye tumhara region hota hai, very important, dhyan mein rakhna hai question mein kaise pucha jata hai. To एक बार सारा का सारा देख लेते हैं। अगर नॉर्मली कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, तो वीमैक्स यहाँ पे ये तुम्हारा के एम ये है,
अगर कॉम्पिटिटिव आता है तो उसमें क्या होता है बेटा, वीमेक्स तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, तुम्हें पता है वीमेक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो केएम है बेटा वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। केएम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अनकॉम्पिटेटिव मिक्सड में क्या होता है, मिक्सड में तुम्हारा दोनों चीजें खराब हो जाती है, तुम्हारा वीमेक्स जो होगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा, और केएम क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मिक्सड वाला होता है। अगर मैं प्योर की बात करती तो प्योर में क्या होता है, वीमेक्स जो होता है बेटा डिक्रीज हो जाता है, केएम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे रहता है, तो ये भी याद रखना है। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, वीमेक्स तुम्हारा कम हो जाएगा और केएम भी तुम्हारा कम होने वाला है। तो दोनों चीजें, चारों चीजें पता होनी चाहिए। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पूछा जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे तुम्हें इस क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके, आई होप इस चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं तुम्हारा वीमेक्स का कुछ फॉर्मुलेज है बेटा जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जो केएम है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, के टू प्लस के माइनस वन अपॉन के वन। तो बेसिकली जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, ये एंजाइम हुआ है बेटा, इसके साथ सब्सट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन तुम्हारा एंजाइम अलग निकल जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये के वन काम करता है, यहाँ पे के टू काम करता है, यहाँ पे के माइनस वन काम करता है। अभी जो के माइनस वन होता है बेटा, ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है जो के एम को नॉर्मली बताता है। तो कभी भी अगर तुमसे के एम का फॉर्मूला पूछा जाता है, क्योंकि एक बार मैंने गेट में क्वेश्चन देखा था, तुम्हें के वन की वैल्यू दे रखी है, के टू की वैल्यू दे रखी है, और के माइनस वन तुमसे पूछा गया है, और के एम की वैल्यू दे रखी है, तीनों की वैल्यू दे रखी थी तुमसे, के माइनस वन पूछा गया था, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पूछा गया था। आई थिंक बहुत ईजी हो जाएगा अगर तुम्हें फॉर्मूला भी याद होगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, के टू प्लस के माइनस वन अपॉन के वन जो होगा इसका तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो के एम की वैल्यू अगर कभी पूछी जाती है तुम्हें वैल्यूज पुट करने के लिए, तो ये ध्यान में रखना। ओके, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, v इक्वल्स टू vmax इनटू s km प्लस s। अब हम टर्नओवर नंबर की बात करने वाले हैं, टर्नओवर नंबर क्या है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। टर्नओवर नंबर आल्सो टर्म्ड एज k-ket, k-ket बोला जाता है टर्नओवर नंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइंड एज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द केमिकल कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पर सेकंड दैट सिंगल कैटालिटिक साइट विल एग्जीक्यूट फॉर द सिंगल गिवन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या हुआ, 10 एंजाइम थे तुम्हारे पास और 10 ही सबस्ट्रेट थे, ठीक है। अब कोई भी तुमने एंजाइम डाली प्रॉपरली, यहाँ पे देखा कि तुम्हारा जैसे माना कि यहाँ पे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन पहले नहीं थी, कोई भी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, तो तुम्हारे इसको 5 घंटे या 4 घंटे लग रहे थे। फिर क्या हुआ, तुमने क्या हुआ, दो एंजाइम डाला तो मतलब लग रहे थे दो, 2 आर्क लगने लग गए। फिर तुमने 10 सबस्ट्रेट में तुमने क्या डाला, 5 या 10 एंजाइम डाल दी, तो वो तुम्हारे सेकंड्स में वो काम होने लग गए। तो ये क्या होता है, टर्नओवर नंबर होता है कि कितना एंजाइम में कैपेबिलिटी है टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू अ प्रोडक्ट, तो उसको टर्नओवर नंबर बोला जाता है, जिसे हम के कैट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये याद रखता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द केमिकल कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पर सेकंड दैट अ गिवन दैट अ सिंगल कैटालिटिक साइट विल एग्जीक्यूट फॉर द गिवन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा तुम्हारे के कैट का। के कैट का मतलब होता है काइनेटिक एफिशिएंसी और टर्नओवर नंबर, जिसे वीमेक्स अपॉन ईटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पिछली बार भी समझाया था वीमेक्स क्या होता है, मोल पर मिनट, याद रखना है इसको, ईटी को याद रखना है मोल। इसलिए जो के कैट का फॉर्मूला हो जाता है पर मिनट जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है, या फिर पर टाइम तुम याद रख लो, या फिर पर सेकंड याद रख लो, अगर यहाँ पे सेकंड में कोई भी यूनिट दे रखी है। तो ये जो के कैट है बेटा टाइम में काम करता है, ठीक है, और वीमेक्स अपॉन ईटी जो होता है मोल पर मिनट में काम करेगा, ये तुम्हारे मोल में काम करेगा। तो ये फॉर्मूले को याद रखना है। नाउ द टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम व्हिच वी कॉल के कैट और कैटालिटिक रेट कांस्टेंट इज मैक्सिमल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट व्हिच इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट पर एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम। तो पर एक्टिव साइट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है क्वेश्चन में, अगर कभी भी ऐसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है। तो टर्नओवर नंबर क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सट्रेट, 10 सब्सट्रेट थे बेटा, अगर एंजाइम के साथ में 10 एंजाइम के साथ में बाइंड करते हैं और तुम्हारा 1 सेकंड में पूरा चीज कन्वर्जन देखने को मिलता है, तो टर्नओवर नंबर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, या फिर कंपैरिजन देखा जाता है। तो जो सब्सट्रेट प्रोडक्ट है बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं पर एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम, उसको टर्नओवर नंबर बोला जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, कल मैं कराऊंगी शायद क्वेश्चन, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो एंजाइम दैट हैव रेशियोस के कैट बाय के एम, एंजाइम के पास में के कैट बाय के एम वाला रेशियो था बेटा, जो नॉर्मली 10 और 8 और 9 के बीच में था, इसके बीच में था, के कैट बाय के एम का जो रेशियो था बेटा इसके बीच में था, मोल पर सेकेंड इसके बीच में था, close to the maximum allowed by the rate of diffusion have achieved catalytic perfection, very important। अगर कोई इस वैल्यू को अचीव कर लेता है, k कैट बाई के एम अगर इतना आ जाता है बेटा,
अगर के कैट बाई के एम इतना आ जाता है, जिसे हम कैटलिटिक एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, कैटलिटिक एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, अगर इतना वो पहुंच जाता है तो मतलब बोला जाता है कि परफेक्शनिस्ट हो चुका है बेटा वो, आमिर खान बन जाता है। तो कोई भी अगर इस वैल्यू के पास में पहुंच जाता है, इस वैल्यू के क्लोज पहुंच जाता है, उसको परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, उसको परफेक्ट तुम्हारा एक एंजाइम का नाम दिया जाता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा इसका मैक्सिमम होता है, कैटलिटिक परफेक्शन जो है एंजाइम का देखने को मिलता है। तो ये याद रखना है, वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछी गई है, ऑप्शन में डाली जाती है, तो ऑप्शन अगर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, सो के कैट बाय के एम जो होता है कैटलिटिक एफिशिएंसी होती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा के कैट होगा बेटा, जितना ज्यादा के कैट होगा और जितना कम के एम होगा, उतना कैटलिटिक एफिशिएंसी जो है एंजाइम की ज्यादा होगी, और जितना के कैट तुम्हारा कम होगा, के एम ज्यादा होगा, उतना कैटलिटिक एफिशिएंसी जो है एंजाइम की कम होने वाली है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, कौन सी नहीं है। एक तो तुमसे ये पूछा जाता है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। KCAT is a constant that describes the turnover rate of enzyme substrate complex to product and enzyme. It is also the rate of the catalyst with a particular substrate. अगर KCAT by KM की value की बात करते हैं और specificity constant की बात करते हैं, of the various substrate can be compared. The substrate with highest value is the best substrate for the enzyme. Very important. जितने ज़्यादा value होगा KCAT by KM की, इतनी ज़्यादा value कितना ज़्यादा best substrate माना जाएगा for the enzyme. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर वैल्यू हाई आती है, हाई के कैट इज मच लार्जर देन द के एम, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, के कैट बहुत बड़ा होगा तभी तुम्हारा के एम, अगर छोटा होगा तभी वैल्यू बड़ी आएगी। एंड द एंजाइम कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर तुम्हारा के कैट बाय के एम की वैल्यू ज्यादा आती है, बिकॉज क्योंकि के कैट बड़ा होगा, के एम तुम्हारा छोटा होने वाला है, तो उतना प्रोबेबिलिटी होता है टू कन्वर्ट अ सब्सट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। अब इसके दो वेज होते हैं कि जो इंक्रीज जो कन्वर्जन होता है वो दो तरह से हो सकता है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि के कैट बाई के एम की जो वैल्यू है बेटा ज्यादा आ रही है, तो ये क्यों आ रही है, अगर तुमसे पूछा जाता है वाई, तो उसका आंसर क्या देना है, या फिर तो सब्सट्रेट बाइंड मोर फर्मली टू द एंजाइम, या फिर तो ऐसा है कि सब्सट्रेट ने एंजाइम के साथ में बहुत अच्छे से बाइंड किया होगा, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन किया होगा, फॉर्मली बाइंड किया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलेटिवली लो के एम, जिसकी वजह से जो तुम्हारा के एम है बेटा वो कम हो गया होगा, और कम हो गया होगा तो मतलब तुम्हारा जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारा जो कैटलिटिक पावर है वो ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारा टर्नओवर नंबर ज्यादा हो जाएगा, या फिर तो पहली ये वाली कंडीशन हो सकती है। सेकेंड क्या हो सकती है, अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सट्रेट दैट इज बाउंड टू द कन्वर्टेड बिफोर इट डिसोशिएट ड्यू टू द लार्ज टर्नओवर रेट के गेट। तो या फिर ये हो सकता है कि तुम्हारा सब्सट्रेट का जो अमाउंट है बेटा वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा लार्ज टर्नओवर रेट जो है देखने को मिलेगा। तो दोनों कंडीशन को याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लो वाला, अगर तुम्हारा के कैट बाई के एम की वैल्यू की लो आती है तो बेटा ये किस सूरत में पॉसिबल है। अगर तुम देखोगे के कैट बाई के एम की वैल्यू अगर लो आती है, दैट मीन्स के एम तुम्हारा हो सकता है ज्यादा होगा, के कैट की वैल्यू तुम्हारी कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो रेशियो होगा बेटा वो कम हो सकता है, रेशियो जो होगा कम हो सकता है। तो ये कम क्यों होता है और लो होने पे क्या पॉसिबिलिटी है वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, के कैट इज मच स्मॉलर देन के एम, तब ये पॉसिबिलिटी है कि वो लो आ जाएगा, एंड द कॉम्प्लेक्स विल कन्वर्ट अ लेसर प्रोपोर्शन ऑफ सब्सट्रेट इन बाइंड टू द प्रोडक्ट। तो नॉर्मली तुम्हारा जो एंजाइम सब्सट्रेट से बाइंड करती है वहां पे इतना प्रॉपरली, इतना एफिशिएंटली तुम्हारा प्रोडक्ट में कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा ये रेशियो कम हो जाता है। तो दोनों चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हारी क्वेश्चन में पूछी गई है, तो वो भी मैंने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डाल दी, तो ध्यान में रखना है। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज अनदर कॉमन यूनिट। अगर तुमसे पूछा जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है बेटा, याद रखना है स्पेसिफिक एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पर मिलीग्राम ऑफ द टोटल प्रोटीन। तो मतलब जो एंजाइम तुम्हारी टोटल होती है और जो तुम्हारा वीमेक्स होता है बेटा, इसी का तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा एक्टिविटी देखा जाता है। लेकिन ये जो एंजाइम है बेटा, ये पर मिनट मिलीग्राम में देखने को मिलती है, म्यू मोल पर मिनट पर एमजी में देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं न्यूमेरिकल्स उस दिन मैं करा रही थी, आधे करा पाई आधे नहीं करा पाई, तो जब भी मौका मिलेगा मैं तो पक्का से कराऊंगी। तो तुम्हारा जो पूरा स्पेसिफिसिटी आता है उसका जो यूनिट होता है बेटा ये होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जिस दिन मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर टॉपिक कराऊंगी या फिर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कराऊंगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना ईजी है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है ना।
स्पेसिफिक एक्टिविटी गिव्स अ मेजरमेंट ऑफ एंजाइम प्योरिटी इन द मिक्सचर। अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ यू नो मेजरमेंट वी कैन यूज टू नो द प्योरिटी ऑफ एन एंजाइम, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी को यूज किया जाएगा विच बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पर मिलीग्राम ऑफ द टोटल प्रोटीन दैट यू आर यूजिंग, द टोटल एंजाइम दैट यू आर यूजिंग, तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू मोल पर मिनट पर एमजी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तुम्हें यूनिट भी याद रहनी चाहिए क्योंकि यूनिट सबकी इंपॉर्टेंट है। केकेट बाई केम की रिप्रेजेंट इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा केकेट इज टू वीमेक्स अपन ईटी की इम्पोर्टेंट है, सबकी जो यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबकी यूनिट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तुम्हें ये यूनिट आनी चाहिए। सो ये तुम्हारा एंजाइम वाला पार्ट हो जाता है और इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स अब रह जाते हैं, एंजाइम में सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं। और उसे मैं न्यूमेरिकल्स कराए थे लेकिन बच्चों को मुझे लगा कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने फिर वो न्यूमेरिकल्स कराना फिर छोड़ा। फिर मैं तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कराना स्टार्ट किया है, लेकिन आई थिंक न्यूमेरिकल वाला पार्ट तुम्हें करना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग का जो खतरा है ना बेटा वो कम हो जाता है। और अगर नेगेटिव मार्किंग खतरा कम हो जाएगा तो चीजें बहुत इजीली तुम्हारे लिए सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बता देना जैसे भी तुम्हें करना हो, क्योंकि मैं कोशिश यही है मेरी कि तुम्हारा जितना प्रॉपर हो सके उतना मैं तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तुम्हें प्रॉपर मटेरियल भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर काम चलेगा। ओके, तो अगर आपको और भी क्लासेस लेनी है, शाम को 7 बजे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन करने हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा नया है जिसने कभी भी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड ही नहीं किया है, तो आप अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लें तो जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपसे कोई वीडियो देखने के लिए कोई कोड पूछा जाता है तो कुमकुम टेन अप्लाई कर देना है। KUM 10 अप्लाई करने से क्या होता है, बिल्कुल फ्री क्लासेज जो होती हैं, जो स्पेशल क्लासेज होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जिन बच्चों ने भी अप्लाई करना है दे कैन अप्लाई ना। जिन बच्चों ने भी प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अंडर वन सब्सक्रिप्शन, चाहे आप 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे आप 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है KUM 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लास मिल जाते हैं, जो भी CSIR UGC नेट से बिलोंग करते हैं बच्चे या फिर जो भी टीचर्स हैं आपको सबकी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। और सारे बच्चे जो हैं जो CSIR से बिलोंग करेंगे वो सारी क्लासेस वहाँ पे देख पाएंगे। आपको सारी क्विजेस मिल जाते हैं, सारे मॉक टेस्ट हो गए, कोर्सेज हो गए, बैचेस हो गए। कोर्सेज की मैं बात करती हूँ, मैंने आपको सेकेंड यूनिट करा दी है, फर्स्ट यूनिट मैंने वहाँ पे करा दी है, आपको प्रॉपरली कोर्स भी कंप्लीट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा मैंने आपको वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कंप्लीट करा दिए हैं, तो आपको वहाँ पे मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस जो है बेटा वो प्रोवाइड कर दी जाएंगे। यहाँ पे बैच जो है बेटा 8th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हुआ है, एक और एक 15th जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो जिन बच्चों ने भी अगर ये बैचेस को ज्वाइन करना है, जो कंप्लीट कोर्स है फॉर CSIR जून 2021, आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये आपके बेनिफिट है प्लस कोर्सेज के। अगर आप प्लस कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपको मल्टीपल कोर्स मिलते हैं ना सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज हो गया, ये सब आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस जो है बेटा आने वाले हैं, तो अगर जिन बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने भी CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना है और क्रैक करना है अगर CSIR UGC नेट को, तो आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैक द CSIR UGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक्सेस हो जाता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का और तुम्हें रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको चूज करना होता है 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो 9,550 पे करना होता है, अगर 12 मंथ्स का लेते हैं 11,550 पे करना होता है, अगर 24 मंथ्स का लेते हैं तो 16,800 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10 है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो 11,550 आपको पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में 10,395 जो है पे करना होता है। पेमेंट की मैं बात करती हूँ, आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो गया, EMI हो गया, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे पेटीएम है, पेपल है, ओला मनी है, गूगल पे है बेटा, नो कॉस्ट ईमेल वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ जो प्रिंसिपल है बेटा वही पे करना होता है। तो आप 6 मंथ्स की ईमेल बनवा लो, चाहे 12 मंथ्स की ईमेल बनवा लो, आप वहां से पेमेंट कर पाएंगे। अनअकैडमी पर अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 अप्लाई कर देना है। अगर आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई करना है, 10% ऑफ।
नाउ यहाँ पे प्लस टू आइकॉनिक का स्विच होने वाला है बेटा, जहाँ पे नॉर्मली तुम्हें लाइव क्लासेस मिलती थी, टेस्ट सीरीज मिलता था, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता था और शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अगर आप आइकॉनिक पे स्विच करते हैं तो जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएंगे आपको, बाई वीकली रिव्यूज दिए जाते हैं, बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एसओपी तुम्हें कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेआरएफ क्लियर करने के बाद में आपको इंटरव्यू देना ही पड़ता है, बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो इंटरव्यू के लिए आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएंगे यहाँ से। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो बेटा मार्च से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा नया है और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।